हुरान को आग रोगे ना भी जाम लगा रखा जाम ला दिया करीब आ रहे हैं राख होने लग रही है। इसकी बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन जो है वो कुंभकर्ण नींद सो रहा है। मेन रोड पर ला दिया जाम। अरिया है भाई हरियाणा एयरलाइंस। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मर भाई इस टाइम जलालपुरा खुर्द में पहुंचे हैं। और भाई किसानों के जो सपने हैं वह जलकर राख होने लग रहे हैं। जगह जगह की घटना हम ओड़े बास्टोल पर भी जा रहे थे। ओड़े भी लगभग 50 एकड़ जो किसान की खड़ी फसल है वह जलकर तबाह होगी। फिलहाल जो है जलालपुर कला में हम मौजूद हैं। कला और खुर्द के इकट्ठे खेत होंगे। हाँ सीम लागे है। और ये जो बिजली के जो टावर हैं ये तो हम देखने लग रहे कैमरा मैन देखूंगा कितनी वोल्टेज है भाई 132 केवी। और इसमें जो हाईटेंशन वायर के कारण जो स्पार्किंग हुई उसके कारण आड़े जो है आग फैली। हालांकि कुछ दिन पहले अभी घटना घटी थी उसके ऊपर भी काबू पाया गया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी मौके पर। और आज भी जिस तरह हमने सूचना मिली तो हम एकदम पहुंचे आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वह आग बुझा के गई हैं। और मौके पर जो किसान मौजूद हैं जिनकी जो फसल जलकर राख हुई है वह मर्दरा मौजूद हैं। क्या नाम भाई अपना? अरविंद। अरविंद भाई कितनी वैसे कंट्रोल तो कर लिया, ज़्यादा तो नहीं फैलने पाई लेकिन फिर भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ जी कम से कम भी 12-13 किले जो एकड़ ज़मीन थी वो सभी नष्ट हो चुकी है। और ये हमारे जो गाँव जलालपुर खुर्द और कला की सीम है 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे के बाद इसमें पार्किंग होने के कारण अधिक हवा के कारण उधर फैल गई हवा। उस कारण उधर सारा खेत जल चुका है, नष्ट हो चुका है। बिल्कुल मैं कैमरा मैन दिखूंगा कि दिखा हुआ है किस तरह जो किसान की जो खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है। फिलहाल भी इसमें कितने कितने ये देखो भाई ये सारी जल के राख होगी। और किसान के जो सपने हैं जो क्या नाम भाई अपना? सुनील नाम है भाई। सुनील भाई एक किसान जो मेहनत कर रहे है खून पसीना एक करके और कितने कितने बच्चे खतर सपने भी संजोए है वो सपने जल कर आग हो गए भाई। सपने सारे खत्म हो गए कि मैं तो लिखड़े कम है कि मैं सरकार वो कह रहे थे कि बोनस मिला कुछ नहीं मिलता भाई। 35 मिनट लिखड़े हैं 55,000 रुपये के लिए ठीक कर यू बोनस मिला है भाई। मेरी बात भी बताओ क्या कमाओगा यो बोनस है भाई सरकार का ले। इसकी 3-4 दिन पहले भी आग लगी थी भाई साहब। एसी साहब के पास फोन करा, फोन नहीं उठाया। यहाँ बड्डी लाइन बंद नहीं हुई। देख मेरी खुद आंखें सामने देख दे पूरे लोग आलो आग के अंगार पड़े हैं। हालांकि बार 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 आज फिर वही कारण भाई साहब प्रदेश में तो न्यू भी सुनने में आवे है अग भाई प्रदेश की बत्ती गुल लेकिन ऊँ तो के बराबर हमें तो लाइट आवक नहीं आवे लेकिन खेतों में आग लान खतर जरूर है। लाइटें कौन छोड़ दे भाई साहब? छोटे छोटे बड़के ना मच्छर खावे हैं। फोन करा हाँ उनको है पाचा दौड़ रहे है पीछे से बंद हो रही है आड़ ये छोड़ दे ये बंदे को नहीं कर दे। आप तो इस कंपेन पे हुए? हाँ कंपेन भाई। कौन सा गांव भाई? गांव गुराना जी। तो जगह जगह होने लग रही इस तरह की आदत बहुत हाल से हो जी। तो ये देखो भाई फिलहाल जो है जलालपुर कला के गाँव के खेत आई है जिसमें हम खड़े हैं और खुर्द के कला के ये खुर्द के ये सीम है जो जलालपुरा खुर्द है ये खुट्टे कट रही है नूना कला है एक किस्म तो बॉर्डर पर खड़े हम नूने तो भाई कला के खेत हैं और उराना जीत आम खड़े हैं। ये जलालपुरा खुर्द के खेत हैं जिसमें कि किसाना की जो खड़ी फसल है वह जल कर राख होगी। हालांकि बुझाण खातर प्रयास करे गए। ट्रैक्टर के लिए जमीन को बाया गया फसल को बाया गया। कैमरा मैन दिखूंगा एक बार दिखा हुआ है किस तरह आग बुझाने खातर जो देसी फार्मूले हैं वह इस्तेमाल करे गए लेकिन इसके ऊपर इतना जल्दी कंट्रोल पाया नहीं जा सकता। खड़ी फसल को कितने कितने ट्रैक्टर का गिल्ला बाया गया है उसके बाद जाकर जो है इसके ऊपर कंट्रोल कराया। कितनी गाड़ी आ रही थी आग बुझाने खातर भाई? एक गाड़ी आई थी भाई साहब। एक गाड़ी आई वह भी उड़ जाकर ऊपर आग का काबू पाया है। अच्छा उस साइड को पानी मारा उसने पड़ी साइड में। हाँ भाई मैंने डीसी साहब को अप्लीकेशन दी थी 14 तारीख को आग लगी थी। 15 तारीख को मैंने डीसी साहब से ऑफिस अप्लीकेशन दी थी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। बिजली बोर्ड में मैं गया बिजली बोर्ड में एसी साहब को अप्लीकेशन दे के आया। जब पहले घटना घटी हाँ जब पहले घटना घटी 14 तारीख को शाम को 6:30 बजे के लगभग मैंने दोनों को अप्लीकेशन दी उसका मारे को कार्यवाही नहीं की उन्होंने। अगर उस टाइम कार्रवाई होती तो दोबारा ये नौबत नहीं आती ये कार्रवाई नहीं हुई हमारी ये दोबारा नौबत नहीं आती। और भाई फिलहाल जो है गाँव वाले जाम लाने की उस पर भी तैयारी में है वह दृश्य भी तो हमने देखने में मिलेंगे क्योंकि गांव वाले में काफ़ी रोष है क्योंकि पूरे साल की गाड़ी कमाई खून पसीने की जो कमाई है वह जलकर राख होगी। और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से बेखबर है और जिस तरह के नाम भैया अपना
अरविंद भाई ने बताया कि हमने दरखास्त भी दे दी इस बारे में अगर भाई हमारी फसल की रक्षा और सुरक्षा के लिए पार्किंग होती दिखी न तो इस चीज की एप्लीकेशन लाई भाई इसका प्रबंध करा जावे इसकी व्यवस्था करी जावे लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी जिसकी वजह से बहुत बड़ी दुर्घटना जो है ये अड़क घटी है। हालांकि गांव वाले की सूझबूझ की वजह से इसको फसल को काफ़ी सारे हिस्से को बचाया तो लिया गया लेकिन यानी देखो सूचना के बावजूद भी जो है दोबारा नुकसान होया है तो किसान की और इस करनाल की एक घटना की अगर मैं बात करूँ तो हाई वोल्टेज जो वायर हैं लगभग इसकी खींचन की जो क्षमता है 6.1 मीटर की दूरी तय इंसान ने अपनी तरफ खींच लिया है ये तार कैमरामैन थी कुंगा के ऊपर दिखा हुआ है। करनाल के अंदर आज जिस तरह एक वो मानस जो मकान बनाने लग रहे थे और आज बहुत दुखद घटना घटी है जिसमें कि उस मजदूर को जो है ना हाई टेंशन वायर ने अपनी तरफ खींच लिया तो इतनी खतरनाक चीज़ है और उसके बावजूद भी जब किसान की जो फसल है वो पक्का जब तैयार हुआ है तो वह एक तरह से पेट्रोल हुआ है और उसका द्वारा छोटी सी भी जो चिंगारी है वह बहुत बड़ी आफत को न्योता देवे है और उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। उसके बाद फिर ये जो किसान हैं बेचारे ये फिर उसकी मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं और दर दर की ठोकर के अलावा किसान और कुछ नहीं मिलता टाइम पर ना गिदावरी होती इन चीज़ों की ना सही ढंग से मुआवजा मिलता। हालांकि विपक्षी अगर मैं बात करूँ विपक्ष भी टाइम पर किसान ना तो ही सरकार के द्वारा मुआवजे की मांग कर रहे हैं कभी 25,000 तो कभी 50,000 किला का किला मुआवजे की डिमांड जो है वो विपक्षी नेताओं द्वारा धरी जा रही है। तो हम भी सरकार से अनुरोध करेंगे प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि टाइम पर इसकी गिरदावरी होकर किसानों को इनकी ओए नुकसान की टाइम पर भरपाई करी जावे। तो एक तरफ तो जिस तरह भाई सरकार वादा करे है दावे करे है किसान की रक्षा और सुरक्षा की बात करे है और आम मानस की रक्षा की बात करे है और जिस खेत में आग लगी है जलालपुरा खुर्द और कला के खेतों में फिलहाल उड़ाम खड़े हैं और ये देखो भाई बिजली की जो वायर हैं किस तरह लटकन लग रही हैं एक दिठा का हाथ ला जाए इसके है और ये हाथ ना अरे भाई 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 मान जा अरे हमने भी छुटान के चक्कर में तो ना हम बताओगे हम और चिप जाएंगे ले तो कमर में मार रहे हैं। हाँ ये तो मतलब ये देख लो भाई ये हालात हैं अब न्यू देखो तो हम इतनी नीची जिबता रहे हैं तो फसल ने खतरा क्यों नहीं होगा और फिर ये हाई टेंशन वायर जिस पर कि स्पार्किंग हो गए खेतों में पतंगे पड़े हैं और उड़ते आग लग गए है ऊँ तो घरों में बिजली भेज दे को नहीं लेकिन खेतों में आग लाने खातर सरकार बिजली जरूर भेज दे है तो यह काम हो रहे हैं भाई सरकार के फिलहाल। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो ताकि किसान को उसकी फसल का जो नुकसान हुआ है उसका टेम पे और उचित मुआवजा मिल सके। ठोको शेयर मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू जय जवान जय किसान। असल तो इन दृश्य ने देखकर जय किसान और जय जवान चुकर होगा मगर यह बात भी समझ में को नहीं आ रही। तो भाई जलालपुरा खुर्द में हम पहुँच रहे थे और अरे भाई गाँव वाले ने छो छो में जो किसानों की फसल जड़ कर राख होने लग रही है इस छो में हाईवे पर जाम ला दिया यानी कि इन्होंने वीटा मिल्क प्लांट है और यह है भाई हरियाणा एयरलाइंस भाई मेरे दर्शक ने राम राम कर दिए। राम राम भाई क्या नाम है महेंद्र नाम ये सारे आने उड़ान को आगे होगी ना भी जाम लगा रखा जाम ला दिया अरे बाढ़ आगे भी जाम लग गया खड़ी कर दें भी और के इलाज खड़ी तो कर दोगे भाई साहब देंगे तो चले जाओ खड़ी कर दें भी रास्ता किसा पाई रास्ता तो भाई नो काम चलाने मंगल ग्रह का आनंद आया भाई नो आनंद रहे सारे दिन। हाँ जी बहन जी खाना पीना हजम हो गया हजम तो हो गया भूख लग गया ही भूख लग गया इस रोड पे आने जाने लिया हम तो आप कम आए गया कितनी खुश है क्यों फ्री में एक्सरसाइज होगी ना बात नहीं बिल्कुल जी खा पी हजम हो जाएगा। तो भाई फिलहाल जो है गाँव वाले ने छो छो में जाम ला दिया है जलालपुरा खुर्द गाँव के जो लोग हैं यानी कि जो फसल जल कर राख होने लग रही है इसकी बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद सो रहा है मेन रोड पर ला दिया जाम और यह है भाई हरियाणा एयरलाइंस। हाँ जी ये नेता जी क्या नाम है सुमित कुमार के आप तो इस ढंग से तैयार हो गए रे जनो वोट मांगनी हो ना जी वोट किसे मांगा आपने मेरा इसी ड्रेस में घूमना खतरनाक साबित हो नहीं होगा जी बिल्कुल नेता तो नहीं नहीं नेता नहीं तो ठीक है सरमू भाई साहब हमारा ये रोड है ये हमारा रोड है कम से कम भी 7 साल हो गए यहाँ सीवर लाइन दाब दी लोगों कॉलोनी का पानी दाब दिया इस आगे कोई समाधान नहीं किया गया सारे गांव ने जाम भी लगा दिया सारे काम कर लिए आने जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और इतना पानी है डबल समस्या क्या हमारा गाँव का तो बुरा हाल कर रखा है समस्या एक राय को नहीं भाई समस्या कई राय हो रही है। अरे भाई हमने कहा कर यू जो इंडियन एयरलाइंस है हरियाणा रोडवेज है जो इसका भी राह रोक लिया है गाँव वाले ने
फिलहाल जो है हालात बेकाबू हैं। न्यून मेन रोड पर अगर मैं बात करूं रोहतक रोड पर जाम लगा दिया ना, यू आशी रोड हाईवे पे जाम लगा रखा है। ये हमारे गांव का लोकल रोड है और ये पार रखा कम से कम 6 साल हो गए, अभी तक हमारे कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे गांव ने 3 बार अप्लीकेशन दे चुके हैं, दुष्यंत के हम जा चुके हैं, सीएम कटर साहब के हम पास जा चुके हैं, डीसी साहब के पास जा चुके हैं, 2 बार दफा जाम लगा चुके हैं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं किया जा चुका अभी। तो फिलहाल ये तस्वीर है भाई, इन तस्वीरों के ऊपर धरती छोड़ के जान लग रहे हैं। हिसाब तो हम लाइयो, कॉमेंट बॉक्स में तो हम लिखियो अग भाई इस मामले के लिए दोषी कौन है, कसूरवार कौन है, गाँव वाले का जो ये छो उठ रहा है इस छो खातर दोषी कौन। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, समाधान नहीं आगे कोई कर दो।